आदाब। न्यूज एक्सप्रेस देखने वाले तमाम नाज़रीन का निज़ामबाद खुसूसी पेशकश में आपका खैरमकदम करते हैं। जमीयतुल उलमा के आरमोर के सदर हाफिज शेख इब्राहिम की निगरानी में एक वफद आरमोर आरडीओ श्रीनिवास लू से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी यादाश्त पेश की और हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया के सेक्रेटरीट में हुए दो मसाजिद की दोबारा इसी जगह पर तामीर करे। इस मौके पर सेक्रेटरी मिसबा जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल वहीद मौलाना इसहाक के अलावा दिगर मौजूद थे। निजामबाद से हमारे न्यूज ब्यूरो मोहम्मद अकील अहमद की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाद नमाज जुमा जमीयतुल उलमा हिंद आरमोर की जानिब से आरडीओ साहब को एक मनोना पेश किया गया है। हैदराबाद सेक्रेटरीट और खाना मस्जिद को जो शहीद किया गया है और केसीआर साहब से मुतालबा करते हैं कि उसी जगह और उसी मकाम पर जल्द अज जल्द तामीर कराया जाए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिप्टी मेयर और तमाम कारपोरेटर्स ने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी की के बारिश के पेश नज़र सड़क की खस्ता हाली पर सड़क की मरम्मत के लिए फंड जारी करे। बल्दिया कमिश्नर के तयकुन दिया के जल्द से जल्द फंड्स जारी करते हुए सड़कों की खस्ता हाली को दूर किया जाए। इस मौके पर टाउन सदर शकील अहमद, फाजिल अब्दुल गफूर, एजाज अहमद, मिर्जा अख्तर बेग के अलावा दिगर मौजूद थे। निजामाबाद से हमारे न्यूज ब्यूरो मोहम्मद अकील अहमद की रिपोर्ट। जब फोटो बनाए थे जब कोई नहीं थे दो चार आदमी जाते थे हजार आदमी आए में लगे हुए थे वो बना दिए वो इसको बोलना क्या वो चमेटा का प्रोजेक्ट फोन करे सब उसको बोल देगा तू लाके डॉक्टर आए तो अच्छा रहता सब ब्रिज का खैर ये मेरा मोबाइल इमीडिएट काम है क्योंकि महिलाओं में बहुत परेशान है जी पब्लिक फोनों पे फोन आ रहे फोन आ रहे तो ये गालियां दे साहब गालियां दे तुम्हारा सेंटेशन काम सही नहीं होने से। आज हम तमाम ही कारपोरेटर डिप्टी मेयर के साथ कमिश्नर साहब से ये नुमाइंदगी किए क्योंकि ये सड़क बरसात के मौसम के पेश नज़र खस्ता हाल सड़कों को नज़र में रखते हुए ये नुमाइंदगी की गई कि वार्ड में 15 से 20 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो या जो भी हो वो जल्द से जल्द ये काम किया जाए। इस पर कमिश्नर बल्दिया ने हमको ये तयकुन दिया कि वो जल्द से जल्द ये कामों का जायज़ा लेते हुए इसको सैंक्शन करेंगे और जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ कि निज़ामबाद के हालात को हम मद्देनज़र रखते हुए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब जो हमारे ज़िम्मेदार इंचार्ज भी हैं उनसे भी डिस्कस किए हैं। वक्त ज़रूरत अगर ज़रूरत पड़े तो हम बलाला साहब से और ऊपर से भी इस कामों की जल्द से जल्द अंजामदेही के लिए कोशिश करेंगे। शुक्रिया। डिवीज़न 58 नाइन गली यूनानी दवाखाने में कोविड-19 टेस्ट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने अवाम से अपील की के वो अपना कोविड टेस्ट कराए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, मेडिकल ऑफिसर DPDMHO और टीबी अमला के अलावा दिगर मौजूद थे। निजामबाद से हमारे न्यूज ब्यूरो मोहम्मद अकील अहमद की रिपोर्ट। यहाँ सभी 20 मिनट्स में आ जाता है तो अपने डिक्लेयर करते जितने भी और उनके फोन पे भी आ जाता है। ఈ టెస్టింగ్ సెంటర్స్లో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్టల్ నుంచి అలాగే మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి అండ్ యూపీఎస్సీ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ని ఉపయోగించుకొని ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఎవరికైతే మనకి సింప్టమ్స్ అని అనిపించిందా లేకపోతే మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉంది ఏ జ్వరం వచ్చింది జలుబు వచ్చింది దగ్గు వచ్చింది మనం టెస్టింగ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఈ సెంటర్స్కి వచ్చి వాళ్ళు
ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే ఎటువంటి రుసుము లేకుండా వారికి టెస్టింగ్ చేసుకోవడానికి మనకి ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. ప్రతి టెస్టింగ్ సెంటర్ దగ్గర ఇప్పుడు మీ స్టార్టింగ్లో 10 నుంచి 15 మందికి ఇనిషియల్ కార్డ్ టెస్ట్ చేస్తాం. बोलिए आज से लाइन गली यूनानी दवाखाने में कोविड टेस्ट सेंटर कायम किया गया है. इसलिए मैं सारे आवाम से मेरी गुजारिश है कि जिसको खांसी जुकाम या बुखार जैसे आंग में दर्द होता है या कोविड के जिसको खतिया है वो लोग जो है सो यहाँ आकर जो है सो टेस्ट करवा सकते हैं. इसमें घबराने की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है. इसका इलाज है, घर में भी रहकर भी आप इलाज करवा सकते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इलाज है और प्राइवेट दवाखानों में भी इलाज किया जा रहा है. इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है और आधे घंटे के अंदर आप जब टेस्ट कराएंगे आपको आधे घंटे के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा. आपको फ़ोन पर SMS आ जाएगा. और मेरी गुजारिश है कि ठेले बंडी वाले हैं जैसे गरीब लोग हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं और गरीब किराना शॉप वाले हैं जो पब्लिक से रब्त में रहते हैं वैसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप आकर यहां पर टेस्ट करा लें और अपनी सेहत को बरकरार रखें. और मुसलसल बारिश के पेशे नज़र निज़ामाबाद के बाबनसा पहाड़ी ब्रिज आए दिन खस्ता होती जा रही है जिससे आवाम को मुश्किल हो रही है. इस अमल में आज निज़ामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स ने कमिश्नर बल्दिया को एक तहरीरी यादाश्त पेश की जिस पर कमिश्नर बल्दिया से तयखुन दिया कि जल्द से जल्द काम को मुकम्मल कर लिया जाए. निज़ामाबाद से हमारे न्यूज ब्यूरो मोहम्मद अकील अहमद की रिपोर्ट. ऑर्डर तो बेस्ट है अपने प्लान में भी ऐसा डिस्टर्ब ना करो अपना जो प्लान रहता ना बोल रहा हूँ ऑर्डर तो आप दे दीजिए. आज यानी राजीव गांधी की 76वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज निजामाबाद में जिला सदर एम मोहन रेड्डी की सदारत में आज कांग्रेस भवन निजामाबाद में एक प्रोग्राम नफीद हुआ. इस मौके पर अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, मोहम्मद जिया अहमद, जावेद अकरम के अलावा दीगर मौजूद थे. निजामाबाद से हमारे न्यूज ब्यूरो मोहम्मद अकील अहमद की रिपोर्ट. मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जेर निगरानी में आज नमाज जुमा के बाद मस्जिद याकूब में एक दस्तखती मुहिम का आगाज किया गया जिसकी जेर निगरानी में शेख हसन, रियाज पटेल, इकबाल अहमद, सैयद रफीक ने की और हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया के सेक्रेटरीट में जो मसाजिद को शहीद किया गया उसे दोबारा उसी जगह पर बनाया जाए. निजामाबाद से हमारे न्यूज ब्यूरो मोहम्मद अकील अहमद की रिपोर्ट. एहतजाजी मुहिम है भाई, दस्तखत करके जाइए हजरात, दस्तखत करके जाइए हजरात. सेक्रेटरीट में जो मस्जिद ढाई गई है दो उसके लिए सर आवाज बेटे जी यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है आपका हाथ बेटा. हाँ ये सेक्रेटरी में मसाजिद जो है शहीद कर दी गई और उसका कोई जवाब दे रही नहीं गवर्नमेंट. तो ये पूरा मन एहतजाज है ये नोजल मुझे सेक्रेटरेट हैदराबाद रे मस्जिद कुलचिव जी दाने अड़े निर्मी जॉइंट एक्शन कमिटी आध्र्य लपीजे मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस आध्र्यन इकड़ शुक्रवार ना पद సంతకాల సేకరణ చేయడం జరుగుతుంది. రాబో రోజుల్లో కూడా ఈ మస్జిద్ను అక్కడ నిర్మించకపోతే పెద్ద ఎత్తున మూమెంట్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఒక సారీ తారీఫ్ అల్లాహ్ రబ్బుల్ ఆలమీన్ కి లియే దురూద్ ఓ సలాం ఓ నబీ అక్రమ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పర్ ఆజ్ 21 అగస్త్ హై ఔర్ బరోజ్ జుమా బాద్ నమాజ్ జుమా జో హై మస్జిద్ యాఖూబ్ మే జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కి ఇమా పర్ और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस निज़ामाबाद के ज़ेर इंतज़ाम जो है दस्तखती मुहिम का आगाज़ वैसे हो चुका है गुज़िश्ता जुमा से और सिलसिला जारी है, घर घर जारी है और दीगर मुकामात पर बाज़ारों में भी दुकानों पर भी ये सिलसिला जारी है और आज यहाँ पर इसका अहतमाम किया गया है
की तरफ से सेक्रेटरीट की इन्हदामी मसाजिद के हुसूल की बाजियाबी के लिए ये दस्तखती मुहिम बतौर एहतजाज शुरू की गई है। इसका सिलसिला जारी है और इसमें जोख दर जोख हिस्सा लेते हुए अपनी मिल्ली हमीयत का जिम्मेदारी का सबूत दें और हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, यहाँ पे अकलियतों की इमलाक उनके इबादत का है, उनके हालात जो है महफूज नहीं है। ये गैर महफूजियत जो है एक अजीब मसले की तरफ लेके जा रही हिंदुस्तान को और तेलंगाना का अब जो मसला दरपेश है। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।